गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इसका कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे एनपीओ का। कंप्लीट क्वेश्चन में यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनेगी। जैसे आप इलस्ट्रेशन नंबर 28 देखिए, 28 में आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दे रखा है, जिसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस 141,300, एंट्रेंस फीस 55,200, सब्सक्रिप्शन 2,20,000, जनरल डोनेशन 56,100, लीगेसी डोनेशन 50,000, इंटरेस्ट 4,100 और सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 8,200। पेमेंट में 86,100 का रेंट, सैलरी 1,09,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200, जनरल एक्सपेंसेस 12,500, बुक्स 31,200, ऑफिस एक्सपेंस 45, इन्वेस्टमेंट 140 और कैश बैंक क्लोजिंग बैलेंस 61,900 और 43,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्लब के पास पहले से ही बुक्स थी 3 लाख की, फर्नीचर 58,000 का, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर में आउटस्टैंडिंग था 6,000 और क्लोजिंग में 7,000। 18,000 रेंट बिगिनिंग और एंड दोनों में ही आउटस्टैंडिंग था, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी 18,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 18,000, और फर्नीचर और बुक्स को राइट ऑफ करना है हमें, फर्नीचर को 5,000 और बुक्स को 30,000 रुपीज से। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर तो सेम एज इट इज वैसे ही बनेगा जैसे आप नॉर्मली इसको प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल बस आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्स्ट्रा बनानी होगी। तो उसके लिए आप देखिए, पहले तो हम इनकम एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर के लिए फॉर्मेट, सबसे पहले हम आते हैं रिसीप्ट साइड में। रिसीप्ट साइड में जो पहला आइटम है वो हमको एंट्रेंस फी दे रखा है, तो ये बाय एंट्रेंस फी, कोई इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये 55,200 रुपीज। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो सब्सक्रिप्शन इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,20,000 रुपीज का। नीचे कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग 6,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम 6,000 रुपीज माइनस करेंगे, तो ये 2,14,000 हो जाएगा, और क्लोजिंग ईयर में आउटस्टैंडिंग है 7,000, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000 रुपीज होगा, यानी 2,21,000। नेक्स्ट है जर्नल डोनेशन। जर्नल है तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल डोनेशन यहाँ पे अमाउंट है 56,100। लीगेसी डोनेशन, ये भी जर्नल है, तो लीगेसी को भी आप यहाँ दिखाएंगे, लीगेसी की अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव हुई है आपको, तो इंटरेस्ट भी आप दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव हुई है 4,100 रुपीज की, और कल्चरल प्रोग्राम से आपको कुछ सरप्लस रिसीव हुआ है वो है 8,200 रुपीज का। अब पेमेंट में आ जाइए। पेमेंट में पहला आइटम है रेंट का। रेंट है 86,100। यहाँ पे कह रहा है कि 18,000 रेंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग भी था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के 18,000 आप इसमें से माइनस करेंगे, तो ये 68,100 हो जाएगा। क्लोजिंग भी यही था, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के 18,000 आप प्लस कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू वापस से 86,100 की हो जाएगी। सैलरी कोई इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, सैलरी सेम एज इट इज 1,09,000 रुपीज। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसमें भी कोई वो नहीं है, तो 6,200 रुपीज का ये अमाउंट हो जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस ये भी आप एज इट इज दिखाएंगे, जर्नल एक्सपेंसेस की वैल्यू है 12,500 रुपीज। बुक्स हमारी असेट्स होती हैं तो ये आएंगी नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है तो ये भी अमाउंट नहीं आएगा। अब देखिए आपको लास्ट वाले पॉइंट में कह रहा है कि आपको डेप्रिसिएशन यानी राइट ऑफ मतलब वैल्यू कम करना, तो ठीक है डेप ही मान लीजिए। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर आपको चार्ज करनी है 5,000 रुपये और बुक्स पर आपको राइट ऑफ करना है 30,000 रुपीज, यानी टोटल वैल्यू कम करनी है 35,000 रुपीज। तो ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर के अमाउंट हो गए। अब आप टोटल लगाएंगे, इधर का जो टोटल लगाएंगे उसमें टोटल आएगा 3,94,600। यही आप यहाँ लिखेंगे 3,94,600, और इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस आप जो माइनस करेंगे, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,08,000 रुपीज, जिसे आप किस नाम से शो कराएंगे, सरप्लस के नाम से शो कराएंगे। अब देखिए
आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट वो होती है जो आपको सारे बैलेंसेस ओपनिंग ईयर में गिवन होते हैं। ओपनिंग ईयर में जो आपको बैलेंसेस गिवन होंगे वो आपकी बैलेंस शीट ओपनिंग ईयर की कहलाएगी। यानी जैसे अगर आप बना रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपने बनाया है 2020 का, तो 2019 के बैलेंस होंगे वो सारे आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के होंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, तो देखिए जो कैश का ये वाला बैलेंस होता है ये ओपनिंग ईयर का होता है, यानी हमारा कैश है। तो इसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश के नाम से शो कराएंगे, 1,41,300 रुपीज। अब देखिए ये सारे आइटम 2020 के हैं, क्लोजिंग ईयर के हैं, तो इनको ना लेके आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंसेज हैं। बुक्स आपके पास पहले से ही 3 लाख की थी, तो बुक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 3 लाख रुपए दिखाएंगे। इसके अलावा फर्नीचर 58,000 रुपीज का है, तो फर्नीचर को भी आप दिखाएंगे यहाँ पर 58,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग 19 वाला 6,000, तो यानी मैंने बताया था आपको कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स होती है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वाला जो अमाउंट है 6,000 रुपए, ये आप यहाँ शो कराएंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट भी था आपका, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि रेंट एक्सपेंस होता है, तो ओपनिंग वैल्यू 18,000 रुपए, ये भी लाइबिलिटी साइड में शो कराया जाएगा। तो ये आपकी फिगर हो जाएंगी। अब आप टोटल लगाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट हुई है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है कैपिटल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल गिवन नहीं होती है, तो कैपिटल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए जो असेट्स साइड का टोटल है उसे आप टोटल लगाएंगे, तो असेट्स का टोटल आ रहा है इस समय 5,05,300, और 5,05,300 में लाइबिलिटी के जो 18,000 है आप माइनस करेंगे तो 4,87,300 रुपीज, ये जो बैलेंस आएगा ये आपकी कैपिटल फंड कहलाएगी। यानी कैपिटल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट में बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो भी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड के, एडजस्टमेंट के, वो सब क्लोजिंग में किए जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में की वैल्यू सिर्फ कैपिटल को फाइंड करने के लिए ही यूज की जाती है। तो ये जो लास्ट में आपको बैलेंसेस दे रखे हैं कैश और बैंक के, ये क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो कैश का आप बैलेंस लिखेंगे 61,900 और बैंक का आप बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर 43,000। अब देखिए बुक्स आपके पास 3 लाख की पहले से ही थी और आपने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31,000 की और परचेज कर ली, 3 लाख की आपके पास पहले से ही थी, न्यू परचेज करी है आपने 31,200 की, तो ये 3,31,200 हो गया। लेकिन इसमें से आपने राइट ऑफ कर दी, जो आपने राइट ऑफ की थी 30,000 रुपए की, यहाँ पे जो कह रहा है कि 30,000 की बुक्स राइट ऑफ करनी है, तो ये आप माइनस कर दीजिए, तो 3,01,200 की बुक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट सेम फर्नीचर के साथ है, फर्नीचर 58,000 का था जिसमें आपने डेप लगा दी 5,000 रुपए की, तो वैल्यू रह जाएगी इसकी 53,000 रुपीज। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था लेकिन अब आपने परचेस कर लिया है, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए असेट्स होता है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,40,000 रुपीज ये भी आएगी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रेंट, ध्यान रखिए क्लोजिंग 18,000 ही ये है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 7,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप यहाँ पर 7,000 रुपए शो कराएंगे, तो ये आपकी वैल्यू हुई। इसके अलावा कैपिटल जो निकाली थी आपने वो लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे 4,87,300, और उसमें जो आपका सरप्लस निकल के आया था इनकम एक्सपेंडिचर से वो आप इसमें ऐड कर लेंगे, उसकी वैल्यू थी 1,08,000 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 5,88,100 रुपीज। इसके बाद आपको टोटल लगाना है, टोटल जब आप लगाएंगे तो 6,06,100, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर करना है, इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस।